वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंगे हेडलाइंस के नाल। दिल्ली वल वध रहे किसानों उते सरकार अते आरएसएस के गुंडिया ने ढाया अत का कहर। हंजू गैस, असली गोलियां समेत होर तरह तरह के हथियार वरत के किसानों का किया वड्डा नुकसान। पछमी अफ्रीका दे विच आई एस दे वध रहे प्रभाव नूं लै के संयुक्त राष्ट्र ने प्रगटाई चिंता। अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा लई आई एस नूं दस्या वड्डा खतरा। रूसी संघ दे बुलारे ने अलैक्सी नेवलनी दी लाश परिवारक मैंबरां नूं ना सौंपण दा दस्या कारण। कहा मौत दे असल कारणां दा पता लगाउण लई फोरेंसिक जांच बेहद जरूरी। अमरीका ने गाजा दे विच अस्थाई जंगबंदी लई एक मता किता पेश। नाल ही रफा दे विच इजरायली फौज की कार्रवाई उते चुके सवाल। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। संयुक्त राष्ट्र दे अतवाद रोकू दफ्तर दे मुखी दा कहना है कि पछमी अफ्रीका अते साहिल दे विच सियासी अस्थिरता विचकार कट्टरपंथी समूह इस्लामिक स्टेट एक वाधा खतरा बन चुकिया है। व्लादिमीर वोरनकोव ने संयुक्त राष्ट्र दीयां खोजां नूं दोहराया है कि खतरे दा मुकाबला करन दे विच संयुक्त राष्ट्र दे मैंबर देशां दे वल्लों महत्वपूर्ण तरक्की दे बावजूद आई एस अंतरराष्ट्रीय शांति अते सुरक्षा लई एक खतरा बनिया होया है। वोरनकोव ने कहा है कि समूह ने इराक अते सीरिया दे नाल नाल दक्षण पूर्वी एशिया दे विच अपने पुराने गढ़ां दे विच भी कारवाइयां तेज़ कर दित्तियां ने। वोरनकोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल नूं दस्या है कि अफ्रीकी महाद्वीप दे साहिल खेतर अते पछमी अफ्रीका विच स्थिति विगड़ गई है अते इह वधेरे गुंझलदार हुंदी जा रही है। On threat posed by Daesh to international peace and security and the United Nations effort in support of member states to counter this threat. I am pleased to be joined by Assistant Secretary General and Executive Director of Counterterrorism Committee Executive Directorate, Ms. Natalia German, to present this report, which was prepared jointly by our offices and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team led by Mr. Justin Hastwit. And I look forward to the briefing by the Secretary General of the International Criminal Police Organization, Mr. Jürgen Stock. Interpol is indeed a key member of our Global Counterterrorism Coordination Compact. I am very grateful to Mr. Stock for excellent cooperation. I also take this opportunity to lament the numerous casualties and human suffering caused by terrorism globally and to offer my sincere condolences to all governments and peoples affected by such violence. The tragedy, destruction, and suffering caused by terrorism should serve as a catalyst to renew international commitment to not only remedy its horrified impact, but also, and most importantly, to step up efforts to prevent such attacks in the first place. The United Nations Office of Counterterrorism will continue to work with member states to this end, including to support survivor-centered, gender-sensitive, and human rights-compliant approaches to countering terrorism and preventing violent extremism conducive to terrorism. Madam President, Excellencies, while providing some additional details on its evolution, the present report reinforces the main trend observed during the past few years, that Daesh continues to pose a serious threat to international peace and security, notably in the conflict zones, despite significant progress achieved by member states in countering the threat.
रूस के राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी आगू अलैक्सी नेवलनी की शनिवार को मौत हो गई सी। अलैक्सी नेवलनी की लाश को किथे रखा गया इस बारे अजे तक कोई जानकारी नहीं दी गई। इस दे नाल ही नेवलनी के समर्थकों ने लाश परिवार को सौंपण की मांग की है। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र के विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया रूसी संघ के बुलारे ने दसिया है कि नेवलनी की लाश को मैडिकल जांच लिए रखा गया। उन्होंने कहा है कि अजे तक यह पता नहीं लग सकिया है कि नेवलनी की मौत का की कारण सी, इसलिए उसकी फोरेंसिक जांच बेहद जरूरी है ता जो उसकी मौत के असल कारणों का पता लगाया जा सके। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के नाल चल रही जंग उत्ते भी टिप्पणियां कीतियां अते पछमी देशों की कारगुजारी उत्ते भी सवाल खड़े किए। I think that the reason is simple, because the forensic medical investigation is not over yet. The exact cause of the death was not yet disclosed, while our Western colleagues rushed to claim 15 minutes after it happened, after the news were published, that this was the responsibility of the Putin's regime, etc., etc. I would like to appeal to these self-proclaimed fighters for freedom of speech. Where were you when the Kyiv regime imprisoned your own citizen, I mean the US citizen, independent journalist Gonzalo Lira, on far-fetched charges, who then was tortured and didn't receive proper medical care until his death in the Ukrainian prison? He had the courage to tell the truth about the real state of affairs in Ukraine, and therefore became an inconvenient person for you, for them, that had to be taken care of. We know the value of this empty slogans of Western countries about protecting human rights. We would recommend focusing on protecting their own citizens rather than making baseless accusations against Russia. Also, while underscoring that every death is a tragedy, I'd like to point out the following. As I said, Western political leaders lined up with accusations in as little as 15 minutes after the first reports of the passing away of Alexei Navalny were published. And all this in the absence of any detailed information, let alone a forensic medical examination. It is as if the statements were prepared in advance. And as you know, his wife happened accidentally to be at the Munich security conference at the same time. When it comes to investigating such heinous crimes and sabotage like the Nord Stream, for example, our Western colleagues are taking their time. The Swedish authorities already closed the investigation, and nobody else is hurrying with making the truth known. So I think that they'd better look for themselves before they make baseless accusations, even before any evidence came to light. हमास अते इजराइल विचाले पिछले 5 महीनों तो जंग चल रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर नूं इजराइल उत्ते हमास वलों किए गए कथित हमले तो बाद दोवें धिरां आमो सामने हैं। इस जंग दे विचकार इजराइली फौज ने मिस्र दे नाल लगदी रफा सरहद उत्ते कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे विच इक मता पेश करके इजराइल हमास जंग दे विच अस्थाई जंगबंदी की मांग की। इस दौरान अल्जीरिया दे वल्लों भी सुरक्षा कौंसल दे विच एक ड्राफ्ट पेश किया गया जिस दे विच मांग की गई सी कि गाजा विच फौरी प्रभाव दे नाल पूर्ण तौर उत्ते जंगबंदी लागू की जाए, पर अमरीका ने अल्जीरिया दे इस मते नूं वीटो कर दिता। अमरीका गाजा दे विच अस्थाई जंगबंदी की मांग कर रहा है, जो कि सुरक्षा कौंसल दे ज़्यादातर मैंबरां दीआं इच्छावां दे उल्ट है। इस तो अलावा अमरीका ने रफा दे विच अपने सहयोगी इजराइल वालों किए गए जमीनी हमले का विरोध भी किया। You just heard me make the case for a resolution that I believe all of us can agree to. In fact, the points in the proposed resolution have all been articulated by the other 14 members of this council. These were not just US ideas. They were all of our ideas that I have heard nearly every member of this council discuss both privately and publicly. Ideas that would not put sensitive negotiations in jeopardy, that could lay the foundation for sustainable peace. And yet, we were forced into a vote that did not reflect that consensus. You might ask why. And I'll leave that to you to opine on. Perhaps some on the council did not actually want a resolution to pass.
because if they did, today's vote would not have happened. Over the last several weeks, I communicated the United States' concerns publicly and privately. We submitted numerous rounds of edits. We implored our colleagues not to rush toward failure. And so, having put forward an alternative path, we intend to take it. The draft we presented is a forward-leaning resolution, and it is one that we intend to work on in good faith with other council members to ensure it gets over the finish line. That kind of process was disappointingly absent from negotiations on the text we just voted on. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 2.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਮਦਦ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤਿੰਨ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫਾਹ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਏਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੇਰੇਮ ਸ਼ਾਲੋਮ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਰੇਮ ਸ਼ਾਲੋਮ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਤੇ ਮਿਟਾਓ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੌਜ ਭੇਜਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਫਾਹ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। UN ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾਹ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਫਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 29,000 ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 107 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 145 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,092 ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 69,028 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸਿਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PPP ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਨੇ ਥੇ
उन्होंने बड़ा मेहनत के बाद अपना काम मुकम्मल किया है. एंड आई कैन शेयर विद यू कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के नंबर्स पूरे हो चुके हैं और हुकूमत साजी का अमल पे हम इंशाल्लाह ताला इस पे अब अमल दरामद करेंगे और हुकूमत बनाने की पोजीशन में है. पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मुआशी जमहूरी हमारे मुआशरे में जो तकसीम फैला हुआ है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनेगा और हमारा हम सब का पूरा पाकिस्तान का दुआ ये है कि यह हुकूमत कामयाब हो और जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, बैरून मुल्क जो हमारे मसाइल हैं, हर पाकिस्तानी का जो इस वक्त मीशत में मुश्किलात हैं, कि इन तमाम मसाइल का हल निकालने में अल्लाह ताला हमारे साथ दे और हम कामयाब हो जाएं. वज़ीर आज़म की इलेक्शन के बाद जो सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें भी हम मुस्लिम लीग नवाज का शुक्रगुजार है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार. भाई हरदीप सिंह निजर के करीबी साथी सिमरनजीत सिंह के घर अन्नेवाह गोलीबारी के मामले में सरिया CMP ने एक अहम सफलता हासिल की. 1 फरवरी 2024 को सिमरनजीत सिंह के घर गोलीबारी की घटना वापरी सी. इस घटना के समय यह कयास लगाए जा रहे सन कि यह विदेशी दखल अंदाजी नाल जुड़िया हुआ मामला है. सरी RCMP ने इस अपराध लई दो नाबालग मुंडिया की गिरफ्तारी की है. क्योंकि पुलिस ऑलवेज फैक्ट बेस्ड से ही स्टेटमेंट दसदी हैगी आ. हुण तक दी जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन असी कीती हैगी आ उस दे विच सानू कोई भी इहो जिहा लिंक नहीं मिलिया जिहदे नाल असी इह कह सकीए कि इस केस दा फोरन इंटरफेरेंस नाल कोई भी वास्ता होवे. 2 16 सालां दे मुंडिया नू अरैसट करके उहनां दे उपर चार्जस अप्रूव हो चुके हन. ते जिहड़े चार्जस अप्रूव होए हैगे आ उह हैगे आ डिसचार्जिंग अ फायरआर्म इन टू अ प्लेस एंड पोजेसिंग अ लोडेड प्रोहिबिटेड फायरआर्म. ते जिहड़े 2 सालां दे मुंडे इह दोने क्योंकि यंग ऑफेंडरस हैगे आ इहनां दा नां असीं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकदे पर इह हले भी पुलिस कस्टडी दे विच ही हन. सो मैं तुहानूं इन्ना दस सकदी हैगी आ कि जिहड़ी इह शूटिंग इस घर ते होई सी इह टारगेटेड शूटिंग सीगी पर इन टर्म्स ऑफ किहनूं टारगेट कीता गया उह पार्ट ऑफ द एविडेंस हैगा ते इह हुण कोर्ट दे विच जाके इह सारा एविडेंस प्रजेंट कीता जाणा हैगा. उहनां दी प्राइवेसी नूं प्रोटेक्ट करन लई असीं कदे वी उहनां दा नेम ना शेयर कीता सी ते ना हुण शेयर करांगे पर इह जिहड़ा इंसीडेंट होया सी इह बहुत ही डेंजरस इंसीडेंट सी जिहदे विच किसी नूं वी सट लग सकदी सी गोली लग सकदी सी. ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ ਦੇ ਆ. ਅਤੇ January 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨਸਰਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਰਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ
फैक्ट है जो एविडेंस हैगा उस मोहरे लिया जाए अगेन जे इस इन्वेस्टिगेशन के एस्पैक्ट्स है ये मोटिव की सी क्यों ये शूटिंग हैगी है इट्स ऑल पार्ट ऑफ एविडेंस नाउ वो बारे मैं कॉमेंट नहीं कर सकती पर जो पर जनरली गल कर रहे हैं कि अपनी कम्यूनिटी के जो यंग बच्चे है वह गैंग गन वायलेंस वाल जा रहे हैं और जी प्रिवेंशन है वो सानू सारे मिल के करनी पैनी हैगी है। तो हुण गल करते हैं भारत में चल रहे किसानी अंदोलन की। अज इस अंदोलन का नौवां दिन सी अपने उलीके हुए प्रोग्राम के तहत किसानों के वलों दिल्ली कूच करन दा प्रोग्राम बनाया गया सी पर अज पंजाब ते हरियाणा दियां सरहदां उत्ते इकट्ठे हुए किसानों उत्ते भारत सरकार के वलों अत दा कहर ढाया गया। इस संबंधी वेख लैंदे आं एक खास रिपोर्ट। मुद्दतें गुजरी हैं इतनी रंजो गम सहते हुए कि शर्म सी आती है इस वतन को अपना वतन कहते हुए। जी हाँ, उर्दू की यह नज़म अज पंजाब के किसानों उत्ते हुए तशद्दुद बारे बिल्कुल ढुकवीं जापदी है क्योंकि अपनिया हकी मंगां की प्राप्ति लई दिल्ली वल वधण की कोशिश करते किसानों के नाल अज जिस तरह का वतीरा मोदी सरकार ने अपनाया उस तो बाद अन्नदाता खुद को बेवस महसूस कर रहा है। बेशक दुनिया के कई देशों के विच किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पर किसी भी मुल्क की सरकार ने अपने किसानों उत्ते अजिहा तशद्दुद नहीं ढाया जिवें दा मोदी सरकार ने ढाया है। दस दिए कि अज किसानों के अंदोलन का नौवां दिन सी ते किसान जथेबंदियों के ऐलान तो बाद अज वड्डी गिणती विच किसानों का काफिला दिल्ली वल रवाना होने की कोशिश कर रहा सी पर खनौरी अते शंभू बॉर्डर उत्ते किसानों उत्ते इन्ने गोले दागे गए शायद इन्ने कई दहाकों के विच ना वरते गए होण। गल सिर्फ हंजू गैस तक ना रुकी, इतों तक कि सीधी फायरिंग भी हुई तो सारा दिन किसान तशद्दुद चलते रहे। खनौरी बॉर्डर उत्ते तां सीधी फायरिंग के कारण एक नौजवान की मौत तक हो गई। जानकारी मुताबक एक गोली इस नौजवान के सिर दे विच लगी जिस कारण वह मारिया गया। अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है दो दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे, जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। तो सरकार पूरी तरह लगता जिवें पैरामिलिट्री फोर्सेस जड़ियां ने साडे अर्ध सैनिक बल ने किसे देश दुश्मन वर्गा विहार कर रहे ने देश दे किसानां मजदूरां नाल, और बिल्कुल यह मानवत घरां दी लंघना हैगी आ। असी ना तां हाईवे रोकिया, हाईवे भी सरकार ने रोकिया, हाईवे ते अगे सानू जान भी नहीं देंदे, साडियां मंगां भी नहीं मनदे हैगे। तो असी यह भी कहा सी जां राह खोल दिओ, राह खोल के सानू अगे पीसफुली दिल्ली जान दिओ। दूसरा, जड़ियां कैजुअलिटी उत्थे होईयां ने खनौरी दे विच, हरे उहदी कंप्लीट जानकारी लैण लई डलेवाल साहब गए होए ने हस्पताल, उह पोजीशन मिस किन्ने ने, इंजर्ड किन्ने ने, सारियां परिस्थितियां ते जायजा लैण वास्ते असीं आरजी तौर ते फैसला कीता दोवां फोरमां वल्लों। अज दा दिन ते लंघ गया, कल ते परसों इह लगभग हुण शांति रहूगी, असीं सारे मसले ते विचार करांगे। पंजाब दियां सरहदां उत्ते वापरे इस दुखान तो बाद हरियाणा दे विच किसान जथेबंदी दे आगू सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी एक वीडियो संदेश जारी करके इस दी निंदिया कीती। उन्हां इस मौके देश दे किसानां नूं अलर्ट उत्ते रहण लई कहा। इसलिए अभी हमारी जूम मीटिंग हुई थी और फैसला लिया है कि कल जो है वो पुतला फूकने का प्रोग्राम रद्द करके कल का दो घंटे का रोड जाम का प्रोग्राम है और सभी जिले अपनी अपनी जगह पे एक एक जगह जिले में रोड जाम करेंगे दो घंटे के लिए 12 बजे से 2 बजे तक। और अगर किसी जिले की स्थिति ऐसी है कि उसका एक रोड दूर पड़ता है, कोई दूसरा रोड नजदीक पड़ता है, दो रोड बंद करना चाहते हैं तो वो दो रोड भी बंद कर सकते हैं। ये संकेतिक है, ये दो घंटे के लिए बंद करना है और उसके बाद हम अगले दिन अपनी मीटिंग करेंगे
जो है हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी की मीटिंग करके उसका अगला निर्णय उसके अगले दिन लेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया उत्ते अनेक वीडियोज भी वायरल हो रही ने। एक वीडियो दे विच किसानां दा आखणा है कि उन्हां उत्ते फायरिंग करन वाले RSS दे कारकुन सन, जिन्हां ने फायरिंग कीती, साडे ट्रैक्टर गड्डियां ते होर वाहनां दा भारी नुकसान किया, इत्थों तक के तेल भी चोरी किया। ब्यूरो रिपोर्ट। सो फिलहाल दे लई वर्ल्ड न्यूज़ दे विच इन्ना ही, तो मैनू इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।